हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं साबुदाना खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम मलाईदार खीर व्रत के लिए आप ज़रूर बनाएं इसके लिए मैंने यहाँ एक लीटर गाय का दूध ले लिया है दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है जैसे ही दूध में बॉईल आएगा ये बॉईल आ चुका है दूध में इसको हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे इसके बाद मैंने यहाँ एक कटोरी में दस से बारह केसर के धागे लिए हैं इसमें गरम दूध डालेंगे और इसको साइड में रख देंगे फिर मैंने यहाँ साबूदाना लिए थे तीन से चार घंटे भिगो कर ये एक सौ बीस ग्राम साबूदाना है गरम पानी में मैंने इनको भिगो दिया था अब इन साबूदाना को हम डाल देंगे छान कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हमें पाँच मिनट तक पकाना है पाँच मिनट इसको पकाने के बाद फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और केसर वाला दूध केसर का कलर आ गया है एकदम बढ़िया सा ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे हमें इसको 10 मिनट के लिए और पकाना है फ्लेम को इस तरीके से हाई लो हाई लो करके इसको हम पका लेंगे 10 मिनट के लिए खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ये खीर पहले से गाढ़ी हो चुकी है फ्लेम को हमें अब एकदम लो करना है सेवेंटी फाइव ग्राम में इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो ये एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है बादाम पिस्ता काजू किशमिश और डेकोरेशन के लिए थोड़े से काजू बादाम मैंने ले लिए हैं कटिंग कर ली है और इनको हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे जितनी आपकी इच्छा हो उतने उसके बाद इसमें वन फोर्थ स्पून में इलायची पाउडर डाल रही हूँ चार से पांच इलायची को मैंने कूट पाउडर बना लिया और फ्लेम को हम बंद कर देंगे इसको कवर करके इसको पाँच मिनट के लिए स्टीम से ही कुक होने देंगे और उसके बाद पाँच मिनट के लिए इसको हम ठंडा कर लेंगे मतलब टोटल दस मिनट बाद ये कुछ ऐसी दिखाई देगी फिर इसको हम सर्व कर लेंगे किसी भी बोल में उसके बाद इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे ये मैं गार्निश कर रही हूँ इनको और ये बढ़िया सी खीर बनकर तैयार है एकदम मलाईदार साबुदाना की खीर व्रत के लिए बनकर तैयार हो चुकी है आप ज़रूर ट्राई करें अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें थैंक यू